हाय एवरीवन, वेलकम टू द 15th लेक्चर ऑफ ओपन सीवी सीरीज। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रांसफॉर्म्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फर्दर सीरीज। जो भी आगे के लिए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जो भी आगे के लिए सीन जितना भी होगा, सब ट्रांसफॉर्म्स पे डिपेंडेंट होगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यूज, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे थ्री टाइप के ट्रांसफॉर्म्स। फर्स्ट इज यूक्लिडियन और आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्म, सेकंड इज एफिन ट्रांसफॉर्म एंड थर्ड इज प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म। ये फंक्शंस तो आप अप्लाई कर लोगे, बट यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे का मैथ्स क्या है। सो वी विल अंडरस्टैंड इन दिस फील्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये जो तीनों ट्रांसफॉर्म्स मैंने बोले, ट्रांसफॉर्म शब्द का मतलब क्या है, हाउ यू विल एक्सप्लेन दैट वर्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक मॉडिफाई स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल्स। व्हाट डज इट मीन, आपके सामने एक छोटी सी इमेज दिख रही है, ठीक है। इस इमेज के टॉप रो में अगर आप फर्स्ट पिक्सल और लास्ट पिक्सल लोगे, और यही इसका जो सेकेंड वर्जन है साइड में दिया हुआ है स्केल्ड इमेज, इसका फर्स्ट पिक्सल और लास्ट पिक्सल लोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस डिफरेंट है या नहीं, फर्स्ट में डिफरेंट है सेकंड में डिफरेंट है। सो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, एंड सेकंड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट द इमेज कैन बी शिफ्टेड, उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एंड स्ट्रेस्ड इन मल्टीपल वेज। अभी जो तीसरा एस्पेक्ट है ना, स्ट्रेस्ड इन मल्टीपल वेज, इसी पर तीनों ट्रांसफॉर्म्स डिफर करते हैं। ओके, सो व्हाट इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज क्रिएशन ऑफ और मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप बाय शिफ्टिंग, रोटेटिंग और स्ट्रेचिंग द इमेज इन मल्टीपल वेज, दैट्स इट। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द इक्लूडियन और आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्म। मैट्रिक्स देख के, ये सब देख के डरना मत कि क्या लिखा है, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने आपको बताया था कि तीन ट्रांसफॉर्म इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला और सबसे छोटा जो सेट बनता है वो बनता है आइसोमेट्रिक और इक्लूडियन ट्रांसफॉर्म का। वॉट इज दिस, व्हेनेवर एन इमेज इज शिफ्टेड इन एक्स और वाई एक्सिस, लाइक ट्रांसलेट, जिसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस में हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है, या फिर उसे हम रोटेट कर रहे हैं किसी एक पिक्सल, किसी एक एक्सिस के अराउंड उसे हम रोटेट कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज द इक्लिडियन और आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्म। इसमें थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, आपको बता दिया ना, एक्स वाई एक्सिस में मूव करा सकते हैं और हम रोटेट कर सकते हैं, थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्म। ये हो गया। अब आते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स की राइट हैंड साइड में जो आप वैल्यूज देख रहे हो, एक्स वाई और वन, एक्स और वाई क्या वैल्यूज हैं, पिक्सल की लोकेशंस हैं, ऑलराइट, पिक्सल लोकेशंस हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में न्यू वैल्यूज है, एक्स डैश और वाई डैश, ये क्या है, न्यू पिक्सल लोकेशंस हैं। और जो बीच में मैट्रिक्स बन रही है, मैंने आपको बताया था कि हम एफिन ट्रांसफॉर्मेशंस जब भी लगाते हैं तो 2x3 की मैट्रिक्स लगाते हैं। आप ऊपर देखो, वैल्यूएबल मैट्रिक्स कितनी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा टी एक्स, दैट इज ट्रांसलेशन इन एक्स, साइन थीटा कॉस थीटा टी वाई, दैट इज ट्रांसलेशन इन वाई, एंड थीटा क्या है यहां पर, रोटेशन एंगल। तो यहां पर जो न्यू एक्स कोऑर्डिनेट्स बने, दैट इज डिपेंडेंट ऑन आर मैट्रिक्स। तो यहां पर जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो कितनी हो गई, जो वैल्यूएबल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, 2x3 की, ठीक है। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्म एक एफिन ट्रांसफॉर्म का सबसेट होता है, ठीक है। अभी हम समझ लेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, डिस्टेंस प्रिजर्व्ड रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रहेगा, जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल रहेगा। अब हम आते हैं एफिन ट्रांसफॉर्म्स पे। उससे पहले अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ये एक ओपन सीवी के थ्रू इंप्लीमेंटेड एग्जांपल है, आई विल नॉट रन द कोड एंड शो टू यू। हमने एक इमेज को रीड करा, सेकंड हमने, मैंने आपको क्या बताया, 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है। यहां पर ऊपर देखो, 2x3 की मैट्रिक्स बन रही है ना, 2 rows and 3 columns की जो वैल्यूएबल मैट्रिक्स है, हमने एक 2 row 3 column की मैट्रिक्स बना ली। यहां पर हमने 1001 फॉर्मेट में लिया है, बिकॉज हमें क्या है, डायरेक्टली हमें रोटेट नहीं कराना है इमेज को, हमने वही मतलब हमने थीटा को 0 डाल रखा है। ये देखो, अगर यहां पर थीटा 0 डाल लोगे, कॉस 0 इज 1, एंड यहां पर अगर माइनस साइन थीटा की जगह डालेंगे तो 0। तो आप देखो, उसी मैट्रिक्स में आप इन वैल्यूज को प्लेस कर सकते हो, थीटा इक्वल टू 0, हमें रोटेट नहीं कराना है, 100 100 एक्स और वाई ट्रांसलेट कराना है, ठीक है। अगर हम ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यहां पर हमने रोटेशन के लिए बना दी होगी तो उसके लिए अलग रिजल्ट आ जाएगा। ये जो साइड में रिजल्ट दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये कोड ऐसे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। 2 row 3 column की मैट्रिक्स, एंड उसके बाद वार्प अफीन फंक्शन से, हमारे लिए पर्टिकुलर आइसोमेट्रिक या फिर यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्म के लिए कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता। हम यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्म भी अफीन ट्रांसफॉर्मेशन में ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि अफीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक जनरलाइजेशन है यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्म का। सो अभी देखते हैं अफीन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफरेंट है यूक्लिडियन से। अब यूक्लिडियन को आप भूल जाओ, ठीक है। अफीन ट्रांसफॉर्मेशन, एफिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, 6 degrees ऑफ फ्रीडम होते हैं। यहां पर जो स्क्वायर है, दैट विल नॉट रिमेन स्क्वायर, द रेक्टेंगल विल नॉट रिमेन रेक्टेंगल, इट में बिकम ट्रेपेज़, इट में बिकम रॉम्बस, और इट में बिकम पैरेललोग्राम। ओके,
सो ये चीज है, समझना इस चीज को कि पैरेलल लाइंस पैरेलल रहेंगी लेकिन वो शियर हो सकती हैं, ऊपर नीचे खिंच सकती हैं, ऑलराइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्लिडियन एंड एफीन ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास वही पे एफीन मैट्रिक्स भी देखो कितनी बन गई, 2x3 की मैट्रिक्स बन गई, जो ए मैट्रिक्स आ रही है ना यहां पर नए वाले उसमें देखो तो ये 2x3 की मैट्रिक्स बन गई। इतना ध्यान रखना कि व्हाट इज एफीन ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन, 3 degrees of freedom, 6 degrees of freedom। अब क्या करते हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं अभी तक हमारी पैरेलल रह रही थी ना, अब उन्हें भी तोड़ दो, तो जो इसका भी जनरलाइजेशन आ जाता है वो आ जाता है प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म। अभी पहले अफीन ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। ये मेरे पास एक स्क्वायर था, मैं अफीन में इसे क्या क्या करा सकता हूं यूजिंग अ 2x3 मैट्रिक्स एंड वार्प अफीन फंक्शन। आप समझ रहे हो ना वार्प अफीन फंक्शन क्या होता है, उस मैट्रिक्स को अप्लाई करता है, उस इमेज से उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करा देता है जिससे कि उसकी नई वैल्यूज बन जाती हैं, नई कोऑर्डिनेट्स बन जाती हैं। तो इमेज क्या है, रोटेटेड एंड शिफ्टेड, या फिर जैसे भी हम परफॉर्म कराना चाहें वैसी दिखती है। अफीन ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या हमारे पास रोल्स आ सकते हैं, सबसे पहला यूक्लिडियन के दोनों रोल्स बता दो कि रोटेट कर सकते हैं और उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अफीन में और क्या आ जाता है, हम स्केलिंग कर सकते हैं और साथ में शियरिंग कर सकते हैं, ऑलराइट। सो टोटल कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई, 6 degrees of freedom, एक्स वाई ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, स्केलिंग डायरेक्शन, शियरिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल। अभी आ गया हमारे पास अफीन ट्रांसफॉर्मेशन का इंप्लीमेंटेशन, चलो यहां पर देख लेते हैं। यहां पर आपने देखा है कि ये जो एक रेक्टेंगल इमेज है ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम इमेज बन गई, सेम इंप्लीमेंटेशन। अब इसमें ध्यान रखना कि एफीन ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम, एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मैट्रिक्स खुद प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जब जो कि ट्रांसलेशन रोटेशन में इजी होता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन होता है कि हमें मैट्रिक्स नहीं पता कि भाई किससे मल्टीप्लाई करके वो कोऑर्डिनेट्स वैसे बनेंगे, हमें बस ये पता है कि बस हमारी इमेज के ये 3 points हैं, इन्हें ऐसा ऐसा शिफ्ट करा दो। क्या होता है अफीन ट्रांसफॉर्मेशन में, हमेशा हम 3 points पकड़ लेते हैं इमेज के। सो अभी क्या है, हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, हमारे पास, हमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नहीं पता है, बट ये पता है कि हमें इमेज को कैसा ट्रांसफॉर्म करना है। हमने इमेज पे 3 points मार्क कर दिए कि भाई इस पॉइंट को यहां पर हमने मार्क कर लिया, टॉप लेफ्ट पॉइंट, एक टॉप राइट पॉइंट और एक बॉटम लेफ्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये 3 points को हमें कहां पर शिफ्ट कराना है, उसके हिसाब से खुद ही वो मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अभी हमने यहां पर पॉइंट देखा है, आप आउटपुट में देख रहे हो कि जो टॉप लेफ्ट पॉइंट है उसे वहीं पर मैंने रहने दिया है, लेकिन जो टॉप राइट पॉइंट है उसको मैंने हाफ मैंने नीचे मूव करा दिया है, और उसके बाद जो बॉटम लेफ्ट पॉइंट है उसे भी वहीं पर रहने दिया है। तो क्या होगा, इमेज जब ऊपर का पॉइंट नीचे खिसक के आया है तो मैट्रिक्स तो ऐसे ही बनवाएगी ना इमेज को, तो देखो वो पैरेललोग्राम बन गया है। उसे मैंने क्या बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स बनती है उसे अप्लाई किससे करते हैं, वार्प अफीन फंक्शन से। सो सबसे पहले अफीन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया जो कि हमें मैट्रिक्स मिल गई, और उसके बाद हमने उस मैट्रिक्स को अप्लाई कर दिया इमेज पे, दैट्स ऑल, ठीक है। अभी आते हैं प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म पे। सो मैंने आपको क्या बताया कि अफीन ट्रांसफॉर्म में पैरेलल लाइंस पैरेलल रहती हैं, लेकिन प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म में आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसे कभी ट्रेपेजॉइड बन गया है, कभी कुछ बन गया है। क्या करना है, पेपर पे एक स्क्वायर बना लेना, फिर पेपर को हल्का सा ऐसे टिल्ट करते जाओगे ना तो वो ट्रेपेजियम के रूप में दिखने लगेगा, वो जो स्क्वायर है वो ट्रेपेजियम के रूप में दिखने लगेगा। क्यों, लाइंस तो पैरेलल थी भाई, वो ट्रेपेजियम कैसे बन गया, ट्रेपेजियम मतलब ये दो लाइंस ऐसे और एक ऊपर नीचे पैरेलल लाइंस, वो ट्रेपेजियम बनता रहेगा, मतलब प्रोजेक्टिव आप एक अपना व्यू चेंज कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज नोन एज प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म। इसमें जो मैट्रिक्स यूज होती है वो 3x3 वैल्यूएबल मैट्रिक्स होती है, दैट इज यहां पर हमें दिख रहा है पुराने पॉइंट से हमने 3x3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा तब नए पॉइंट्स आए। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा खेल है कि अफीन वर्सेस प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले देखो अफीन ट्रांसफॉर्म में मैंने कितने पॉइंट्स चूज करे, 3, लेकिन प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म में कितने पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे, 4, अगर मेरे को मैट्रिक्स नहीं मालूम है तो। 3 points चूज करने से हमारी जो पैरेलल लाइंस रही वो पैरेलल ही रही, लेकिन आप देख रहे हो प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म में पैरेलल लाइन पैरेलल नहीं रही, जैसा जो 3D वर्ल्ड होता है ना, हमने ऐसे ऐसे टिल्ट कर लिया इमेज को, वैसी टिल्टिंग की शेप आ गई, वो होता है प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि OpenCV देता है, इसके बाद हम अपना कस्टम लगा सकते हैं। चलो अब प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। आप देख रहे हो सामने, पहले इमेज देख लो, आउटपुट देख लो, एक इमेज आपको दी गई है, ये जो है डॉक्यूमेंट स्कैनर्स में यूज होता है बहुत, सामने उसने डिटेक्ट कर लिया, ये अभी हम लोग करेंगे आगे आके प्रोजेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का, ये हमने एक डिटेक्ट कर लिया, छोटी सी स्लिप पड़ी हुई है उस पर हेलो लिखा हुआ है, लेकिन उसकी देख रहे हो आप कि अगर व्हाइट वाली मैं सिर्फ इमेज कंसिडर करूं जो कहते लेफ्ट में है तो उसकी लाइंस पैरेलल नहीं है, अगर इसमें हम एफीन ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ये ऐसा का ऐसा देगा जो कि अच्छा नहीं है, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मुझे इन लाइंस को अलग करके लाना है, मुझे इसे एक रेक्टेंगल शेप में दिखाना है, अगर इसकी शेप तोड़नी है तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म। तो सिंपली मैंने क्या करा, उसके जो पॉइंट्स हैं
एक डेस्टिनेशन पॉइंट्स बना लिए, जो उसके रेगुलर पॉइंट्स 4 पॉइंट्स निकल रहे हैं ना, डेस्टिनेशन पॉइंट्स में क्या कर दिया मैंने, एक रेक्टेंगल के, किसी भी रेक्टेंगल के पॉइंट्स दे दिए, और उसे गेट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म से मेरे पास मैट्रिक्स आ गई, मैट्रिक्स को मैंने वार्प पर्सपेक्टिव से अप्लाई करा दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, जो हमारे पास इमेज है 4 पॉइंट इसमें आ गए, हमने एक प्रॉपर रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स उसे डेस्टिनेशन पॉइंट्स में दे दिए, उसने मैट्रिक्स बनाई, हमने मैट्रिक्स अप्लाई कर दी, दैट्स ऑल। ठीक है, प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म हो गया, तीनों ट्रांसफॉर्मेशन के अब लास्ट में हम लोग तीनों ट्रांसफॉर्मेशन के एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं। ओरिजिनल इमेज को हमने ट्रांसलेशन कराया, साथ में रोटेशन कराया, वो आ गया यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्म। रोटेशन के साथ साथ में हमारे पास स्केलिंग आ गई और शेयरिंग आ गई, मतलब बड़ा छोटा करना आ गया और खिसकाना आ गया साइड से, दैट इज नोन एज अफीन ट्रांसफॉर्म। और खिसकाने के साथ साथ हमें दबाना भी आ गया, दैट इज पैरेलल लाइंस को भी चेंज करना आ गया, दैट इज नोन एज प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म। एंड जो बीच की जो मैट्रिक्स बनती है, ठीक है ना, इसमें जो बीच की मैट्रिक्स बनती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द होमोग्राफी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे होमोग्राफी जब हम ऑगमेंटेड रियलिटी करेंगे इसी सीरीज में, देन वी विल अंडरस्टैंड द होमोग्राफी। सो गाइज, ये तीनों ट्रांसफॉर्म्स ध्यान से समझ के रखना, एंड इट्स लाइक दे आर likely to be asked in your interviews, okay? So, कोई भी अगर doubt हो comment out कर देना, and subscribe करना बिल्कुल मत भूलना, because I'll be bringing more जो भी अच्छी videos होंगी मैं लाऊंगा इसमें, and थोड़ा सा time लगता है concept बनाने में। ठीक है, ऑलराइट गाइज, थैंक यू।